शिवाय नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद। इंदौर नगर में पुनः फिर एक बार शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन विधायक श्री संजय शुक्ला मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा। आप और हम 24 से 30 नवंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पूरे आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाए। एक बहुत सुंदर पुस्तिका आदरणीय शुक्ला परिवार द्वारा जो निकाली जा रही है शिव महापुराण 12 ज्योतिर्लिंग की, बहुत सुंदर पत्रिका है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का पूर्ण वर्णन किया गया है। मैं चाहूंगा शुक्ला जी से भी कि ये पत्रिका लगभग सभी इंदौर वासियों को प्राप्त हो और ये पत्रिका के माध्यम से लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व मालूम पड़े। आप और हम बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की अगर पुस्तक है तो कथा भी 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा इंदौर नगर में होगी और बड़े आनंद के साथ उस कथा का लाभ आप और हम लेंगे दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। सभी आमंत्रित हैं, सभी आनंद लें और इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई। आ रहा है कुबेर भंडारी, बड़े आनंद से आप लाभ लीजिए शिव महापुराण। ये थे सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, जो कि इंदौर में एक बार फिर शिव पुराण कथा की पावन धारा बहाने की तैयारी में हैं, जहां आगामी 24 से 30 नवंबर तक होने वाली शिव पुराण कथा को लेकर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस एमएलए संजय शुक्ला की ओर से कराई जाने वाली श्री शिव महापुराण कथा को लेकर घर घर लोगों को आमंत्रण पहुँचाया जा रहा है, जहाँ खुद विधायक संजय शुक्ला घर घर जाकर लोगों को शिव पुराण के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस दौरान विधायक संजय शुक्ला लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्मा से परिपूर्ण एक पुस्तक व आमंत्रण पत्र का वितरण कर सब परिवार कथा में पधारने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आगामी 24 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाली शिव महापुराण कथा किला मैदान स्थित दलाल बाग में आयोजित की जाएगी, जहाँ कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव भक्तों को शिव पुराण कथा सुनाएंगे। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला इससे पहले भी विधानसभा एक में अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर चुके हैं, जहां हाल ही में उनके द्वारा क्षेत्र वासियों को कराई गई अयोध्या यात्रा भी चर्चा में रही थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी विधानसभा एक में भागवत कथा और शिव पुराण कथा का आयोजन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज़।